अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद आरिफ आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आरिफ व्लॉगर। तो जी कैसे हैं आप, उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब ठीक होंगे। तो जी आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो ये देखें जी माशाल्लाह, ये है जी हमारा पोल्ट्री फार्म। मैंने खाना भी दे दिया, पानी भी दे दिया। देखें जी माशाल्लाह, ये है हमारी गोल्डन मुर्गी, चेक करें जी। और ये हैं जी हमारी केरला मुर्गी, इसके देखें कैसी है ये, इसके बाल देखें इसके माशाल्लाह। इधर जो है ना मैंने खाना दे दिया है हमारी मुर्गी को, ये चेक करें हमारी मुर्गी खाना खा रही है, ये गोल्डन मुर्गी। बाकी जो है ना इस साइड में गई हुई है। और ये मुर्गा तो आप लोग देखते रहते हैं कि ये इधर बाल्टी के अंदर में से खाना खाता रहता है। ये जी मुर्गा है माशाल्लाह, चेक करें जी मुर्गा माशाल्लाह। अभी ये 3 महीने का मुर्गा है, ये देखें 3 महीने के बाद, अभी जो है ना 3 महीने का हो गया, अभी सिर्फ 1-1.5 महीने के बाद जो है ना ये अंडे देने स्टार्ट कर देंगी हमारी मुर्गी गोल्डन। और अगर गोल्डन मुर्गी के रेट की बात की जाए तो इधर जो है ना ये वाला मुर्गा जैसे है, ये हम 30 दिरहम तक ले सकते हैं इधर। अगर किसी से लें तो ऐसे वाला 30 दिरहम का मिलेगा हमको, और अगर हम बेचें तो 30 दिरहम का बेच सकते हैं हम। गोल्डन मुर्गी का रेट यही है कि ऐसे वाला मुर्गा 30 दिरहम का जाता है अभी माशाल्लाह। देखें पाकिस्तान में 30 दिरहम कितने बनते हैं, देखें तकरीबन 1500 से 1600 का एक है ये, ऐसे वाला 1500 से 1600 का रेट है इसका। देखें जी माशाल्लाह, ये सिर्फ 3 महीने का चूज़ा है देखें। और इसको जो ना खुराक, हम ये मुर्गे को, मुर्गी को ये खुराक देता हूँ मैं, और हमारी जो चूज़े की खुराक है वो देखें वो खा रहे हैं। इस खुराक से जो है ना देखें माशाल्लाह इनकी ग्रोथ कितनी अच्छी हुई है, ये देखें ये बहुत ही शौक से खाते हैं ये खाना, ये वाली खुराक माशाल्लाह। और ये लुंडा चूज़ा देखें जी, इसका पूंछ नहीं है लेकिन है ये मुर्गा, बहुत ही अच्छी नस्ल के मुर्गे हैं ये, फ्रांसी नस्ल के मुर्गे हैं हमारे पास ये जो मुर्गियाँ हैं हमने रखी हुई हैं गोल्डन, ये फ्रांसी नस्ल की हैं। ये चेक करें इसके पाँव के ऊपर जो है ना बाल होते हैं वो देखें। 1500 से 1600 का, 1700 का ऐसे मिल जाता है इस उम्र में, जैसे ये 3 महीने का चूज़ा है ना ऐसे, ये 1500 से 1600 पाकिस्तानी पैसा बनता है इसका। अगर इधर दुबई में हम बेचें तो ये तकरीबन 30 से 35 दिरहम तक बेच सकते हैं हम इसको, अगर सेल करना चाहें तो, लेकिन हम सेल नहीं करते। मैं सिर्फ आपको रेट बता रहा हूँ कि ये इतने रेट के हैं इस वक्त। ये जब दूसरे जब ज़्यादा बड़े हो जाएंगे तो फिर तो ये 50-60 रुपये का मिलता है एक बड़ा चूज़ा। जैसे हमारे जो पुरानी मुर्गी है ना वो खड़ी हुई है, वो मुर्गा खड़ा हुआ है, वो 50 दिरहम से कम नहीं मिलता इधर देखें माशाल्लाह। वो मुर्गी के जो कारोबार है इसमें पैसा बहुत है, बस इसका पालने वाला हो, पालने में इसको जो है ना खाना टाइम पे मिलना चाहिए, दवाई अगर बीमार हो रही है तो दवाई भी टाइम पे देनी चाहिए, फिर इसके पैसा बहुत बनता है। इधर दुबई में इसका कारोबार जो है ना बहुत होता है मुर्गी का। हमारे जैसे ये पुराने वाले मुर्गे खड़े हुए हैं ना, ये अभी देख रहे हैं आप, ये अब हम अगर बेचना चाहें तो ये तकरीबन 40 से 50 दिरहम का तक है ये। पाकिस्तान में इसका कितना बनता है देखें, 3,000-2,500 रुपया बनता है एक मुर्गे का माशाल्लाह, क्योंकि ये अच्छी नस्ल के हैं, फ्रांसी मुर्गियाँ हैं हमारे पास। ये देखें, ये अभी इसका कद देखें, ये अभी बहुत ही 3 महीने का है, अभी ये छोटा है बहुत ही, जब ये 4-5-6 महीने का हो जाएगा तो ये तो शुतुरमुर्ग बन जाएगा। मैंने जो है ना दवाई का पानी रख दिया है इसको, सुबह सुबह दे देता हूँ दवाई का पानी मैं इनको खाना खाने से पहले, ताकि ये पानी जो है ना पी लें उसके बाद जो है ना खाना खाएंगी, क्योंकि गर्मी होती है ना, गर्मी की वजह से मुर्गी बीमार होती है, नज़ला ज़ुकाम होता है इस वजह से। और उसके बाद जो है ना मैंने इनको प्यास जो है ना वो भी कट करके डाल दिया था,
वो भी इन्होंने खा लिया, क्योंकि प्याज से जो है ना इसका मैदा सही हो जाता है, मुर्गी ज़्यादा बीमार नहीं होती। प्याज इसको डालते रहें तो अच्छी बात है। तो ये देखें जी, मैं जो है ना ये खुराक देता हूँ हमारी मुर्गी को उससे, और अभी से वज़न चेक करें इसका कितना है। माशाल्लाह तकरीबन ये 1 किलो से ऊपर है। दूसरी जगह से ख़रीद किए थे, ये फ्रांसी नस्ल के हैं। दूसरा एक दोस्त है हमारा इस साइड में, वो मुर्गी रखा हुआ है उसने, उसके पास ही बहुत ही अच्छी नस्ल की मुर्गी है माशाल्लाह। और ये देखें, ये पूरे तकरीबन 70 से 80 दाना है जो हमने ये गोल्डन मुर्गी के अंडे मंगवाए थे, हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह और पूरे के पूरे बच्चे निकल आए थे, कोई अंडा ख़राब भी नहीं हुआ था। और उसने जो रखे हुए हैं वो ऐसे 3 महीने का जो है चूज़ा है ना, वो तकरीबन 25 से 30 दिरहम का जो है ना वो मिलता है। वो हमारे दोस्त ने जो रखे हुए हैं ना उसके पास ऐसे हैं, वो क्योंकि सेल करता है, वो 25 से 30 दिरहम का एक जो है ना मुर्गी का बच्चा जो है ना चूज़ा सेल करता है, ऐसे जो है छोटे छोटे हैं, लेकिन हम सेल नहीं करते। इधर इसका रेट इतना होता है, पाकिस्तान में तकरीबन 1600-1700 बनता है माशाल्लाह। हमारे पास और नस्ल की भी मुर्गी हैं, देसी मुर्गी भी है, सोनाली मुर्गी भी है, लेकिन वो हैं छोटे चूज़े, वो मैं आपको दिखाऊंगा। वो भी बहुत ही अच्छी नस्ल के हैं, लेकिन हैं देसी सोनाली, लेकिन उससे ज़्यादा ये जो है ना ये नस्ल अच्छी नस्ल के हैं हमारे पास। ये देखें जी माशाल्लाह, यह भी मुर्गा है, इसका वज़न चेक करें, यह अभी से भी 1 से 1.5 किलो का है वज़न इसका, और ये हैं सिर्फ 3 महीने के, देखें माशाल्लाह। और अगर अंडे की बात की जाए तो ये माशाल्लाह अंडे देने से थकती नहीं है, जब ये अंडे देना स्टार्ट करेंगी मैं फिर आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह, कि देखना कि मैं रोज़ के कितने अंडे उठाता हूँ। माशाल्लाह ये 70 से 80 दाना है जो हमने रखा हुआ है, अच्छी नस्ल के हैं ये मुर्गी के जो है ना रखने के लिए उसकी जगह जो है ना साफ़ रखनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए, बेहतरीन सफाई होगी तो अच्छी सफाई होगी, मुर्गी कभी बीमार नहीं होगी। मैं तो रोज़ बुरश लगा देता हूँ इधर, और इधर रूम में देखें, ये देखें ये इसका गुरफा, ये कितना सफाई है अंदर में, ये बिल्कुल फुल साफ़ किया, बुरश लगा दिया इसमें मैं, हालाँकि बुरश ये लगाता हूँ, ये वाला बुरश लगाता हूँ इधर, सफाई करता हूँ। जितनी सफाई अच्छी होगी उतनी ज़्यादा मुर्गी जो है ना ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होगी, मुर्गी को एलर्जी नहीं होगी, मुर्गी को कोई बीमारी भी नहीं पकड़ेगी। तो ये देखें जी माशाल्लाह, ये जो हमने मुर्गी बड़े वाले मुर्गे रखे हुए हैं, हमारी ये बड़ी मुर्गी है, ये देखें इसके पार उतर गए हैं, ये भी 1.5 से 2 साल की हो गई है माशाल्लाह। क्योंकि ये हमारे पास जो देसी मुर्गी थी, ये चेक करें, इसके हम अंडे हमने मशीन में रखे हैं, उधर से जो बच्चे निकले हुए हैं देसी वो हमने इधर बांध किए हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। इसमें कुछ दाने जो है ना हमने केरला मुर्गी के रखे हुए हैं, ये देखें ये छोटा चूजा है, और इसमें और भी है 5-6 दाने, वो देखें वो एक खड़ा हुआ है काला कलर लड़का, ये इसमें रखे हुए हैं हमने माशाल्लाह। और ये चेक करें जी, ये देखें ये हमारी नई मुर्गी है, मैंने आपको बोला था कि हमारी मुर्गी जो नए वाली मुर्गी है वो जो है ना इंशाल्लाह अगस्त के आखिर में सितंबर में जो है ना अंडे देना स्टार्ट कर देगी, लेकिन ये देखें अंडा देने के लिए ये अंदर में गई बैठी है इधर, क्योंकि इनके खाना घर मैंने बनाए हुए हैं ये अंडे देने के लिए, इसमें जो है ना ये अंडे देती हैं हमारी मुर्गी माशाल्लाह। देखें ये अभी से शुरू हो गए हैं, यानी कि बस इस महीने की आखिर तक जो है ना ये सब अंडे देना स्टार्ट कर देंगी इंशाल्लाह। जो है ना मैंने इनको खाना भी दे दिया, पानी भी रख दिया, ये देखें अभी ये खाना भी खा लिया माशाल्लाह, और खाना जो है ना एक्स्ट्रा भी पड़ा हुआ है, ये थे चेक करें, जब भी इनको भूख लगेगी ये तो इधर से खा लेंगी माशाल्लाह। और बाकी की हमारी मुर्गी चेक करें, और ये इधर आई हुई हैं सारी की सारी, ये देखिए इधर इस साइड में। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।